नमस्कार फ्रेंड्स, क्या आप मटन के दीवाने हैं? तो चलिए आज हम आपके पसंद का मटन करी बनाएंगे, वो भी एक बूंद बिना पानी दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिए हैं 1 केजी बकरे का मटन, और इसमें मिलाए हैं हम 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत अच्छे से हम इसको पीस लिए थे हल्का पानी दे के, और 1 छोटा चम्मच से हल्दी पाउडर मिलाएँगे, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हम मिलाएँगे जीरा पाउडर। अब यहाँ पे जाएगा लहसुन प्याज मिर्ची का मसाला, और 4-5 हरी मिर्ची, दही 4 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 किलो प्याज। अब ज़्यादा प्याज डालोगे तो आपका मटन मीठा, उसका ग्रेवी मीठा लगेगा, तो इसलिए 1/2 किलो, 1 केजी में 1/2 किलो प्याज डालिए, और डाल दिए नमक स्वाद अनुसार। अब मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी, और इसको हम बड़े बर्तन में इसको निकाल लेते हैं, इसको अच्छे से मसाला मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप मसाले को मिक्स कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब आपका मटन करी बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको मसाला मिक्स कर दिए, इसको ढक दिए 20 मिनट। आपके पास टाइम है तो आधा घंटा भी ढक सकते हैं, और 20 मिनट के बाद देखिए मटन मैरिनेट हो गया है, और ये मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब चलिए हम लेते हैं कुकर यहाँ पे, और हम डाल देते हैं इसमें 1/2 किलो सरसों का तेल। इसको सरसों का तेल में ही बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और 1 चम्मच जीरा, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, और 2 तेज़पत्ता हम यहाँ पे डाल दिए, और अच्छे से जलने दीजिए। उसके बाद डाल दीजिए मसाला मिक्स किया हुआ मटन। इतना लाजवाब बनेगा जो बड़े बड़े शादियाँ पार्टियों वाली मटन का भी फैल करेगा, इसकी स्वाद इतनी टेस्ट बनती है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे इस तरीके के सामने। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इतनी टेस्टी मटन बनाने आपको बताएंगे जो आप खुद बोलोगे कि क्या मटन बनाया है। तो ये हम मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और चला लेते हैं, अच्छे से चलाएंगे ताकि तेल जो है इसे सारे तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए उबलने लगा है, और हम इसको ढक देते हैं ढक्कन लगा के, और 2 सीटी वेट करते हैं। 2 सीटी बजने के बाद हम इसको गैस पे से उतार लिए, और जो बचा खुचा गैस एक कुकर में हम निकाल लीजिए। आप भी अच्छे सावधानी से निकालिए हाथ बचा के, और कभी भी किचन में काम करते हो तो आराम से कीजिए। तो देखिए 80% मटन यहाँ कुकर में इसको पक गया है। अब इसको हम ऐसे ही खुले में पकाएंगे, इसको ढककर नहीं लगाएंगे। तो चलिए फिर से हम गैस पे इसको चढ़ा देते हैं। तो देखिए फिर से ये उबलने लगा है फ्रेंड्स। अब इसको हम ढक्कन को पैक नहीं करेंगे, इसमें डाल देंगे पुदीना काटा हुआ, बहुत ही टेस्टी लगेगा, और साथ में धनिया पत्ता डाल देते हैं, और इसको मिक्स कर देते हैं। इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है ना, जो मटन लवर है ना वो बहुत ही पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और इसको हम ऐसे ही ढक ढक के पकाएंगे, इसको 5 मिनट ढक दिए। 5 मिनट के बाद देखिए अच्छे से इसको हम आप चला कर इसका ग्रेवी का नमक टेस्ट करते हैं पहला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नमक कम है तो हम डाल दिए नमक, और अच्छे से इसको चला लेते हैं। सो नमक डाल के हम चला लिए अच्छे से। अब यहाँ पे इसको हम फिर से ढक देंगे 5 मिनट से, 5 से 10 मिनट तक आप ढक सकते हैं। तो देखिए ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया, मटन भी जो बचा था 20% वो भी अच्छे से पक गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका मटन, टेस्टी मटन बन के हो गया तैयार। तो इसको गैस पे से उतार के एक बर्तन में निकालते हैं, और इसका टेस्ट का नज़ारा देखिए कितनी टेस्टी है, और कितने अच्छे से मटन इसको पक गया है। अब बहुत ही टेस्टी बना है, आपको यकीन नहीं है तो मेरे विधि के अनुसार से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये रहा आपका गर्मा गर्म मटन करी तैयार। तो अब ज़रूर बनाइएगा, और ऐसे ही छोटे छोटे टेस्टी और इजी रेसिपी के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि कोई भी रेसिपी बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और ताकि आप ये रेसिपी का आनंद ले सको। तो फ्रेंड्स आप लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और फेसबुक है तो फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि हमने आपको किस तरीके से मटन बनाने का ये तरीका आपको बताया।
कि आप इस तरीके से पहले बनाए थे। अगर नहीं बनाए थे तो ये मसाले जो हमने बताए हैं और जो तरीके बताए हैं, इस तरीके से आप बनाओगे तो आप, मेरी गारंटी है कि बड़े बड़े शादियाँ और पार्टियाँ वाली मटन का टेस्ट फैल हो जाएगा इसके सामने। अगर आप मटन के दीवाने हैं तो आप ज़रूर बनाइए और खाइए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे।